हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम का समय हो गया है, शाम के 5:10 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने। ये देखिए छवि क्या कर रही है, बाहर गेट पे वो खड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि जो है वो कुछ खा रही है चोरी से और छुप रही है मुझसे कि मम्मी देख ना ले उसे। ये देखिए यहाँ पर आ गई है ये ये भाग रही है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और छवि अभी भी छुप रही है यहाँ पे। चलिए अब मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुजिया है जो मैंने होली पे बनाया था, पर मैं अभी इसे खाई नहीं हूँ क्योंकि बहुत मीठा हो गया था, इसलिए मैं इसे खा नहीं रही थी और आज मैं इसे खा रही हूँ। पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, कुछ भी नाश्ता नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि बगल में बच्चों का बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे और नाश्ता कर लेंगे। तो रुपेश चला गया है कोचिंग पे और छवि घर पे ही है और मैं इसलिए नाश्ता नहीं बनाई कि अभी बच्चों को 6 बजे वहाँ जाना है। मैंने चाय चढ़ा दिया है और मैं सभी के लिए चाय नहीं बना रही हूँ, सिर्फ अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ। रुपेश और छवि को मैंने गर्म करके दूध दे दिया था और मैं उनको चाय कम देती हूँ तो मैंने उनके लिए चाय नहीं बनाई थी, मैं सिर्फ़ अपने और अपनी सिस्टर के लिए ये चाय बनाई थी। और बच्चों का नाश्ता तो बाहर ही हो जाएगा क्योंकि 6 बजे ही उन्हें बगल में एक लड़की का जन्मदिन है, उनकी पार्टी में जाना है तो वो वहाँ चले जाएंगी और वो बोले कि मम्मी हमें नाश्ता नहीं करना है, मैंने दूध पी लिया, हमारा पेट फुल है। वो वहीं पर नाश्ता और खाना करके आएँगे और मैं भी गुजिया खाने जा रही थी। फिर सिस्टर ने बोला कि दी मेरे लिए कुछ बना दो, तो मैंने उसके लिए, हमारे यहाँ ये रमपम मिलता है, देखिए फ्रेंड्स ये मैगी के जैसा होता है और इसे हम मैगी की तरह भी बना के खा सकते हैं और इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। ये हल्का नाश्ता होता है और ये बहुत अच्छा भी लगता है, अगर आप कुछ नाश्ते में नहीं बनाए हैं तो आप इसे खा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे निकाल लिया, बिल्कुल मैगी की तरह दिख रही है। इसमें 1 पैकेट मसाला और 1 पैकेट में ऑयल होता है, मैं ऑयल को नहीं मिक्स करती हूँ, सिर्फ मैं मसाले को इसमें छिड़क देती हूँ। और फ्रेंड देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से तोड़ लिया है, मैं इसे महीन तोड़ लेती हूँ, बहुत खड़ा नहीं, मैं इसको बारीक कर लेती हूँ और इसमें मैं मसाले को ऐड कर देती हूँ और इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये नाश्ता तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, आप देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और चाय भी पक चुकी थी, मैंने इसे अदरक डाला है, मैं पहले अदरक नहीं डालती हूँ। और चाय पक गई है, अब मैं चाय को पी लूँगी। पहले मैं गुजिया खा के पानी पीऊँगी, फिर मैं चाय को पीऊँगी। मैंने रमपम नहीं खाया है क्योंकि मुझे अभी गुजिया खाने का मन कर रहा था, जब से मैंने गुजिया बनाया था मैंने एक भी गुजिया नहीं खाया था क्योंकि उस समय इतना मीठा हो गया था कि बनाने से ही एकदम मन भर गया था, इसलिए मैं अभी तक खाई नहीं थी इसे। और आज मैंने फर्स्ट टाइम अपनी गुजिया को खाया, काफ़ी टेस्टी बना था गुजिया। नाश्ता करने के बाद मैं छत पर जाऊंगी, आप सभी को अपने प्लांट से मिलवाऊंगी। मैंने अपने वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने प्लांट से आपको मिलवाऊंगी। चलिए मैं आज आप सभी को अपने प्लांट्स दिखाती हूँ और मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं और उसमें फूल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को अपने प्लांट्स को दिखा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिनी चांदनी है, ये कुछ सूख गया था पतझड़ के मौसम में पर अभी ये फिर से नए लीफ ले रहा है। और ये मधुमालती का पौधा है, ये 2 ईयर्स ओल्ड है, अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। और ये समी का जो पेड़ होता है जिनकी हम पूजा करते हैं वो है ये। और ये फ्रेंड्स कड़ी पत्ता है और मैंने इसे सीड से ग्रो किया था पर ये इस वक्त सूख रहा है, हल्की सी ग्रीननेस इसमें बची हुई है, मैं देख रही हूँ ये फिर से पनपता है या ये सूख जाता है, अगर सूख जाएगा तब मैं दूसरा ला के लगा दूँगी। और ये पौधा देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम मुझे नहीं पता है पर ये चांदनी के जैसा ही है, ये वाइट इसमें फ्लावर खिलते हैं। और ये येल्लो रोज़ का पौधा है, इसमें तुलसी अपने आप ही पनप गई थी और मैंने छोड़ दिया उसी में ही। और ये पिंक रोज़ है, ये खिलता है पर अभी इस वक्त नहीं खिला हुआ है, कल ही इसमें काफ़ी है पर ये लग रहा है कुछ दिन में खिलेगा। और ये हरी श्रृंगार का पौधा है, पतझड़ में काफ़ी पौधों से पत्ते जो हैं वो झड़ गए हैं। और ये गुड़हल का है, इसमें 2 फ्लावर आज खिले हुए हैं और रेड रोज़ भी खिला हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर खिला हुआ है तो इधर का एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर जो रोज़ है वो
कल ही लिया है, पर देखिए कब खिलता है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब ये खिलेगा तो। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा ये रोज़ लग रहा है, ये रेड रोज़ है। ये अभी दो खिला था, एक तो टूट गया, पर ये एक अभी है। अब मैं सारे पौधों में पानी डाल दूँगी, मैं दो टाइम पौधों में पानी डालती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए ज़िद कर रही है कि पौधों में पानी मैं अपने हाथ से डालूँगी, तो मैं इसके हाथ से ही पानी पौधों को दे रही हूँ। और ये जो हैंगिंग प्लांटर है मैं इसमें भी पानी दे देती हूँ, इसमें भी मैं सुबह शाम देती हूँ पानी। और अब शाम हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। आज कुछ नॉर्मल डिनर रहेगा, क्योंकि आज सुबह मैंने छोले भटूरे बनाए थे, वो मसाले के थे। इसमें भी मैं मसाले डालूँगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ शिमला मिर्च डालकर, और साथ में सादी रोटी, क्योंकि हस्बैंड भी बोल रहे थे कि सुबह काफ़ी हैवी लंच हो गया है और शाम को तुम कुछ हल्का ही बनाना। तो मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है, अब मैं आलू छील रही हूँ, मैं आलू को भी कट कर लूँगी। मैं सब्ज़ियों को कट करने से पहले भी उसे वाश कर लेती हूँ, और जब कट कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसे वाश कर लेती हूँ। अब मैं किचन में जाऊँगी और सब्जियों को मैं दोबारा वाश कर लूँगी। मैंने बच्चों को तैयार करके भेज दिया है जहाँ पे बर्थडे पार्टी था, और मैं नहीं गई क्योंकि बच्चों का ही पार्टी था, इसलिए मैं नहीं गई। बच्चे तो वहीं से नाश्ता और खाना खा कर आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप बच्चों का खाना मत बनाइएगा, बच्चों का खाना आज हमारे यहाँ है। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सब्जियों को कट कर लिया है, और ये आलू मैंने इस तरीके से कट किया है, और ये प्याज है, ये शिमला, ये प्याज मैं तड़का लगाऊंगी और उस प्याज को मैं सौते करके डालूंगी। ये शिमला मिर्च है, लहसुन है, और दो टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। मैं इन्हें पीस लूँगी, इन दोनों को, लहसुन को और अदरक को, इनका पेस्ट बना लूँगी। होली के बाद से तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी और सर में दर्द था, क्योंकि होली के समय काफ़ी वर्क हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैं दूध को बॉईल कर रही थी क्योंकि बच्चे दूध ला के रख दिए थे, और मैंने तेल को गर्म कर लिया। अब मैं इसमें आलू को फ्राई करूँगी, बिल्कुल रेड होने तक फ्राई करूँगी इसे। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बिल्कुल कढ़ाई पनीर के जैसी लगती है, जिस तरह से कढ़ाई पनीर लगती है उसी तरीके से ये उसी तरह से बनता भी है, और वही टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये सब्ज़ी। मैं टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, और प्याज को मैं नहीं पीसूँगी क्योंकि मैं प्याज का सिर्फ तड़का लगाऊँगी, और जो बड़े साइज़ में मैंने प्याज को कट किया है उसे हल्का सा सौते करके ही डालूँगी, और इसलिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च को सिर्फ पीसा है, मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था। और दो टमाटर थे और थोड़ी ही हरी मिर्च थी, और जार बड़ा था इसलिए ये बारीक नहीं हुआ। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मसाले होते हैं तो बारीक हो जाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ मैं आलू को भी चला देती हूँ। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब मैं शिमला मिर्च फ्राई कर रही हूँ। मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा ही सौते टाइप का कर लूँगी और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। फ्रेंड्स मैं कम ही तेल में फ्राई करती हूँ, ज़्यादा तेल में नहीं करती हूँ। और ये जो प्याज को मैंने बड़ा बड़ा कट किया था उसे भी मैं सौते कर लूँगी, इसे भी मुझे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का इसको सॉफ्ट करना है। और अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे इस तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में फिर से मैंने तेल को डाला है और उसे गर्म किया है, और मैंने इसमें 2-3 चुटकी के लगभग जीरा डाला है और तेज़पत्ता डाला है। और ये जब लाल हो जाएगा और जीरा चटकने लगेगा तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, बारीक कटी हुई प्याज डाल दूँगी, और मैं इसे भूनूँगी। इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनूँगी। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया था, मैं उसे खलबट्टे में ही कूट लूँगी, और बारीक हो जाता है फ्रेंड्स इसमें ही थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसे मिक्सर में नहीं पीसा, मैं खलबट्टे में ही कूट लेती हूँ। रुपेश आ गया था क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। अरे देखिए फ्रेंड्स मैंने कूटी हुई अदरक और लहसुन को मैं अब डाल देती हूँ, और मैं इसके साथ इन्हें भूनूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 3 चुटकी हींग डाला है, और मैं इसे अब भूनूंगी। लो फ्लेम पे मैं इसे भूनती रहूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे।
मसाले भुन गए हैं। अब मैं इसमें फेंटी हुई दही डाल देती हूँ। दही से ये काफ़ी अच्छा टेस्ट लगने लगता है इसका, और इसे भी मैं भूनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये मसाले जो हैं इन्हें मैं लगातार चलाते हुए भूनूंगी। मैंने अभी इसमें नमक को ऐड नहीं किया है, नमक मैं लास्ट में ऐड करूंगी। और मैं इसे चलाकर भून रही हूँ अच्छी तरीके से, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। और अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, क्योंकि अब मैं इसमें फ्राई की हुई सब्जियों को ऐड कर दूँगी, इसलिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। और इसे भी मैं एक दो मिनट तक चला के भूनूंगी, अच्छी तरीके से कोट कर दूंगी मसालों को सब्जियों में। अब मैं अच्छी तरीके से चला चला कर इन्हें भूनूंगी, एक दो मिनट ही भूनूंगी। फिर मैं इसमें पानी को ऐड कर दूंगी, जितना मुझे पतला या गाढ़ा चाहिए होगा ये ग्रेवी। मैंने अब इसमें नमक ऐड किया है, मैं लास्ट में नमक ऐड करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। और मैंने फिर आटा लगा लिया था, मैंने रोटी बनाना स्टार्ट किया। वैसे आंधी और तूफान आ गया और मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं आए हुए थे। फिर मैंने गैस को ऑफ़ किया और मैं बच्चों को लेने गई, लेके बच्चों को आई। फिर मैंने सब्ज़ी को चेक किया, सब्ज़ी पक गई थी। फिर मैंने इसमें कस्तूरी मेथी, दो चुटकी के लगभग कस्तूरी मेथी मैंने इसमें ऐड किया, और धनिया का पत्ती भी मैंने डाला। और इसे चला के अच्छे से मिला के धनिया की पत्ती और कस्तूरी मेथी को, और मैंने गैस को बंद कर दिया। और ये देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है, ये दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और रोटी भी मैं तैयार कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए। मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ और आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।